हे गाइस, दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो पहले जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है। अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज द स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेटेड फ्रॉम अ सेट ऑफ सोर्सेज टू अ सेट ऑफ डेस्टिनेशन सब्जेक्ट टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आएगा उसकी जो कॉस्ट आएगी वो मिनिमाइज्ड आएगी। तो अब देखते हैं कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्टली जो होता है वो हमारा होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। देन सेकंड हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स मिनिमा रूल। मैट्रिक्स मिनिमा रूल या मेथड, और इसको हम मेनली किस नाम से जानते हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड। मेनली हम इसको उसी नाम से जानते हैं। इसके जो होते हैं 2 टाइप होते हैं, रो मैट्रिक्स मिनिमा मेथड एंड बिग पार्ट कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। लास्ट क्या हमारा, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड इसको हम क्या करते हैं, वैम। ठीक, तो ये जाते हैं हमारे 3 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें क्या होती है, हमें इन तीनों टाइप में हम फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं और ट्रांसपोर्टेशन लीस्ट जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगी वो मिनिमम आएगी। बस इसमें क्या होता है कि जो हमारे मेथड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आज इसमें क्या, हम आज के ट्यूटोरियल में क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को हम कैसे सॉल्व करके हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड करते हैं। तो अब देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ले रखा है और इसका एक एग्जांपल ले रखा है। तो मेनली हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ऐसे ही एक मैट्रिक्स के फॉर्म में टेबल दी गई रहती है। इसमें ये हमारा पार्ट डेस्टिनेशन का हो जाता है, ये सोर्स हो जाता है इस साइड। तो उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हमारा सप्लाई होगा, जो भी इसकी सप्लाई रहेंगी, और इधर रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जो हमारा सोर्स है वो सप्लाई के अकॉर्डिंगली काम करेगा, मतलब 3 इतने सप्लाई, और जो हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा वो हमारा डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंगली काम करेगा। ठीक, तो अब हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में क्या हो जाता है, किसको हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मतलब नॉर्थ और वेस्ट की साइड से लेकर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा नॉर्थ साइड और ये इधर क्या हो जाता है हमारा वेस्ट साइड। ठीक, तो अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम नॉर्थ वेस्ट के साइड में हमारा कौन सा पहला नंबर आएगा, 3 आएगा। ठीक, तो हम इसको 3 को चूज करेंगे। अब 3 में क्या होता है कि हमारे जो सप्लाई दी गई रहेगी और जो रिक्वायरमेंट दी रहेगी उसमें हमें ये देखना रहेगा कि हमारा जो सबसे कम जो है नंबर्स का क्या है। तो वहां सप्लाई 300 है और यहाँ रिक्वायरमेंट 250 है, तो हम क्या लेंगे, 250 लेंगे क्योंकि वहां पे कम है। ठीक, तो अब यहाँ 250 लेंगे, तो 250 यहाँ लेंगे, तो इसमें से 250 गया, ये हो गया 0, और यहाँ से 250 गया तो ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 50। ठीक, तो ये हो जाता है 50। तो अब जिस साइड हमारा 0 हो जाता है उस साइड का रो या उस साइड का कॉलम हमारा पूरा कैंसिल हो जाता है। तो ये 0 हो गया, तो हमारा जो ये रो है ये कॉलम जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब जो है नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो हमारा कितना पार्ट बचा, सिर्फ इतना पार्ट बचा। अब इसमें क्या हो जाता है, हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 में क्या करेंगे, अब हम 1 को चूज करते हैं, यहाँ 350 है रिक्वायरमेंट हमारी और यहाँ सप्लाई हमारी 50 है, तो हम क्या चूज लेंगे, 50 को चूज कर लेंगे। ठीक, जो भी हमारा लीस्ट रहेगा चाहे वो सप्लाई में रहेगा या रिक्वायरमेंट में, हम उसको चूज कर लेंगे। अब यहाँ से देन इसमें रिक्वायरमेंट में से 50 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 300, और यहाँ से हम 50 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो इस बार क्या हो रहा है, रो 0 हो रहा है, तो हमारा ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हमारा क्या बचा, इतना पार्ट बचा। तो इसमें हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल 6 पे आएगा। ठीक, अब 6 में हम क्या देख रहे हैं,
मेनली क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग मेथड फॉलो होते हैं, कुछ लोग एक एक करके फिर दूसरी टेबल बना के फिर दूसरा सॉल्व करके फिर तीसरी टेबल बना के, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, सिक्स लेते हैं, तो सिक्स में यहाँ पे हमारा 400 है, यहाँ पे हमारा 300 है, तो हम क्या लेंगे 300, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये जीरो हो जाएगा और 300 माइनस होके यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100, तो ये जीरो हो गया, तो हमारा ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। देन इसके बाद अब हमारा बचता है सिर्फ इतने पार्ट, इतने पार्ट में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट कहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे हमारा यहाँ 400 है, यहाँ 100 है, तो यहाँ पे हम इसको 100 लेंगे, ये हो जाएगा हमारा जीरो और यहाँ पे क्या आएगा 100, हमने 100 ले लिया। ठीक, अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास कितना बचा, इतना बचा, इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हमारा ये होगा, अब यहाँ पे हमारा 100 है और यहाँ पे हमारा 500 है, तो हम देन हमारा ये आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे हमने 100 लिया है तो यहाँ पे हमारा माइनस करेंगे तो आ जाएगा 300। ठीक, तो अब यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 500 है, यहाँ हम लेंगे 300, 300 लेने के बाद इसमें से 300 माइनस जाएगा, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा हमारा जीरो, तो ये अब इसमें तो हमारा कुछ कैंसिल होना ही नहीं है। देन लास्ट ये बचा, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारा ये, इसमें क्या आया 200, तो अगर हम यहाँ 200 ले लेंगे तो हमारा बोथ साइड हो जाएगा जीरो, इट मीन्स जो हमने क्वेश्चन किया है वो हमारा राइट है। अब इसमें क्या करना है, फर्स्टली जो हमारा रिक्वायरमेंट और सप्लाई का टोटल निकालते हैं, तो उसके बाद ये प्रोसीजर करते हैं, तो रिक्वायरमेंट और टोटल क्या हो जाएगा सप्लाई का, 300, 400, 1200, 500, तो आ जाएगा हमारा 1200 और इधर क्या है 250 एंड 350, हो जाएगा हमारा 600, 400, 1000 एंड 1200, तो इट मीन्स हमारा जो रिक्वायरमेंट है, टोटल ऑफ रिक्वायरमेंट एंड टोटल ऑफ सप्लाई जो है वो इक्वल है। ठीक, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉल आएगा कॉस्ट आएगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज होगी, इट मीन्स जो भी हमें किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्टेट करने में हमें मिनिमम कॉस्ट लाना है। ठीक, उसको किस तरह से हम ट्रांसपोर्टेट करें कि हमारा मिनिमम कॉस्ट आए, तो मिनिमम कॉस्ट में क्या करना है कि हमारी जहाँ जहाँ पे वैल्यू आ रही जितनी, उतने को उसके ही कॉन्स्टेंट से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो इसमें पहले में क्या है, देखो 250 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस ऐड करते चलेंगे 50 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाई 6 देन प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 5 देन प्लस 300 मल्टीप्लाई बाई 3 देन 200 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 2। ठीक, तो हमारा इतना है, अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 250 क्रॉस 3 750 प्लस 50 क्रॉस 150 प्लस 300 क्रॉस 6 1800 प्लस ये हो जाएगा 500 प्लस 900 एंड प्लस हमारा क्या हो जाएगा 400। ठीक, अब हमें इसको ऐड कर लेना है, तो इसको ऐड कर लेंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 800 और 1800 क्या हो जाएगा हमारा 2600, 2600 के बाद ये हो जाएगा 3100, ये 4400, तो इतने क्या हो जाएगा हमारा रुपीज़ में आ रहा है आंसर, तो हमारा जो हो जाएगा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा 4400 रुपीज़। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से हम किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करके मिनिमम कॉस्ट जो है वो ला सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसके अदर काइंड ऑफ जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।